तो यार सबसे पहले हम लोग आरशेस की बात कर लेते हैं। गाइज यार आरशेस हम लोगों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था आरशेस एंड द ज्यूल ऑफ लाइफ में, और यार उस मूवी में आरशेस पूरे क्रिएशन ट्रायो से लड़ाई कर रहा था। और यार जैसे कि आप लोग कहते हो कि यार आरशेस की जो तीसरी आँख खुलते ही एक यूनिवर्स तबाह हो जाता है, लेकिन यार जैसे उसने अगर अपनी तीसरी आँख खोली होती तो यार एक यूनिवर्स के तबाह होने पर दूसरे यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यार मूवी में हम लोगों को ऐसा कुछ देखने के लिए मिला ही नहीं था। और यार अगर आरशेस इतनी पावरफुल होता तो यार उसके जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है जिसका नाम जजमेंट है, उससे यार अर्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज भी होना चाहिए था, लेकिन यार कोई भी डैमेज नहीं हुआ है पूरे अर्थ में, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। और यार वो अपने पूरे के पूरे क्रिएशन ट्रायो से लड़ाई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। लगभग 30 मिनट तक क्रिएशन ट्रायो आरशियस को रोकने के लिए एकदम सफल हो गया था। और तो और यार आरशियस अगर गॉड है तो यार वो अपनी क्रिएशंस को तबाह कर सकता है, लेकिन यार हम लोगों को इससे पता लगता है कि यार आरशियस के पास वो पावर नहीं है कि वो अपनी क्रिएशन को ख़त्म कर सके। और गाइस यार अगर इसके अंदर जब आरशियस की जब प्लेटलेट्स पूरी तरह से फैल गई थी तो यार उसके वजह से आरशियस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ना कि आरशियस मर रहा था, क्योंकि यार जैसे ही उसकी प्लेटलेट्स अगर हट जाती है तो यार वो वापस भी आ ही जाती है, क्योंकि यार वो जब प्लेटलेट्स जाती है तो यार वापस आने में उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। और यार वहाँ पे 3-3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे तो यार उनके सामने आरशियस को थोड़ा बहुत तो कमज़ोर पड़ना ही था, क्योंकि यार डेलगा के पास टाइम ट्रैवलिंग की पावर है इसलिए। और यार आरशियस गॉड है, गॉड नहीं है इससे हम लोगों को पता लगता है, क्योंकि यार वो उन तीनों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। तो यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जो कि रखवाजा है उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की है। तो यार रखवाजा हम लोगों को पूरे एनीमे में काफ़ी कूल दिखाया गया है, और यार रखवाजा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यार वो अपने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से प्राइमल ग्राउडॉन एंड कायोग्रे को शांत कर दिया था। और गाइज यार प्राइमल ग्राउडॉन और कायोग्रे कोई हलवे नहीं है, उनको मतलब इतने खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन्स को उसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में शांत कर दिया था। और यार उसके ड्रैगन असेंट के सामने कुछ भी चीज़ टिकती नहीं है, चाहे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही क्यों ना हो। और यार इससे जहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि यार आरशियस गॉड नहीं है वो ये है, जब मूवी में मीटियोराइट जा रहे थे तो यार आरशियस अपनी पूरी पावर के साथ उसको उस मीटियोराइट को तोड़ने गया था, लेकिन आरशियस उसको तोड़ भी दिया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ी थी, जबकि रखवाजा अपने सिर्फ एक ही अटैक से उसको तोड़ सकता है बड़ी आसानी से। और यार इससे पता लगता है कि यार रखवाजा कितना ज़्यादा पावरफुल है हमारे आरशियस से। और तो और यार जो आरशियस है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा था उस पूरी मूवी में। और जहाँ पे हम लोगों को हुपा वाली मूवी में जो कि रखवाजा है उसकी फुल पावर दिखाई गई है, क्योंकि यार 6 के 6 लेजेंडरी पोकेमॉन जिसके अंदर डेलगा, पालकिया, गिरेटिना, प्राइमल ग्राउडॉन, प्राइमल कायोग्रे भी थे। और गाइज यार ये जो हमारा रखवाजा है वो अकेले ही पूरे 6-6 जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है उनको अकेले ही मार रहा था। और गाइज यार ये कोई मतलब कम बात नहीं है कि वो 6-6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हरा रहा था। और यार अगर हम इन दोनों के बेस स्टैट्स की बात करें आरशियस और रखवाजा की, तो यार रखवाजा जब अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में होता है तो यार उसकी बेस स्टैट हो जाती है 780, और जहाँ पे आरशियस के सिर्फ 720 ही रह जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और तो और यार इससे हम लोगों को ये भी पता लगता है कि रखवाजा आरशियस से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, और यार रखवाजा आराम से आरशियस को डिफीट कर सकता है। और यार अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो यार रखवाजा सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए क्योंकि यार जब भी ये जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स है ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शांत करने के लिए रखवाजा है। और यार रखवाजा के पास इसीलिए इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है जिससे वो इन लोगों को शांत भी करा सके, और इसी वजह से रखवाजा इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आई होप तुम लोगों को सही में सब कुछ समझ आ गया होगा। और यार रखवाजा आरशियस, प्राइमल ग्राउडॉन और कायोग्रे से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, रखवाजा। और गाइस यार होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार ऐसे वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। सो गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेवल के टॉपिक के साथ। अनटिल देन बाय बाय।